मैं डॉक्टर संजय गुप्ता अपने कमला नीरोज सेंटर बरेली से अपने मिर्गी के मरीजों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि मिर्गी की बीमारी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। इसे कई लोग अंधविश्वास करते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, तांत्रिक लोगों के बाद इलाज करवाने जाते हैं, जबकि एक ऐसी ठीक होने वाली बीमारी है। यदि मरीज में नियम पूर्वक कि हमने किसी डॉक्टर से संपर्क करके दवाई खाए तो उससे उसका बीमारी ठीक हो जाती है। इस बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रेन जो होता है अखरोट के आकार का नसों का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, किसी कारणवश कोई अवरोध बीच में उत्पन्न हो जाए उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मरीज को इस तरह की मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। मिर्गी कई तरीके के आकार तरीके होती है। एक मिर्गी जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं उसे हम प्राइमरी जनरल एपिलेप्सी कहते हैं। इसके अंदर मरीज के अंदर चारों हाथ पर अचानक कांपने लगते हैं और अकड़ने लगते हैं, मरीज की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है और मरीज के मुंह से आवाज़ निकलती है और कभी कभी उसके मरीज की जीभ कट जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, पेशाब निकल जाता है। ये ज़्यादातर हम इस तरह की मिर्गी के दौरे मरीजों को रास्ते पे या आम जगह पे देखते हैं। ये सबसे ज़्यादातर कॉमनेस्ट सामान्य यही सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप की एपिलेप्सी हम लोग देखते हैं। इस एपिलेप्सी के अलावा जो दूसरी तरह की मिर्गी के दौरे होते हैं वो किसी कारण की वजह से होता है। जैसे फोकल एपिलेप्सी है, ये फोकल एपिलेप्सी दो तरीके की होती है कि एक साधारण टाइप की जिसमें सिर्फ दिमाग का जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है उसी तरीके के लक्षण मरीज को आ जाते हैं। जैसे मरीज के दिमाग के आगे के हिस्से के अंदर यदि कोई कारणवश अवरोध उत्पन्न हुआ उसकी वजह से मरीज का कोई किसी तरफ का हाथ पर हिल जाएगा, या मरीज के कान के पीछे वाले कान के सर के ऊपर वाले हिस्से में यदि उत्पन्न होगा कुछ अवरोध उसकी वजह से मरीज के अंदर हाथ में झंझनाहट नमनेस टाइप की महसूस होने लगेगी। लेकिन कभी कभी मरीज के कान के पीछे वाला हिस्सा जो टेम्पोरल होगा यदि उसके अंदर यदि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है उसकी वजह से मरीज के अंदर कभी याददाश्त कम चली जाना या मरीज का एक ही जगह इधर उधर घूम के गोल गोल घूमते रहना या मरीज के अंदर अचानक अपने जबड़े को चलाना या कभी होठों को दांत से चबाना, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर टाइप की एपिलेप्सी कहलाती है। इसके अलावा यदि शरीर के यदि दिमाग के किसी पीछे वाले हिस्से का यदि दिमाग का पीछे वाला हिस्सा यदि इन्वॉल्व होता है तो मरीज के अंदर आगे आँखों का सितारे दिखने लगते हैं, रंगीन लाइटें दिखने लगती है, जिसे हम लोग ऑक्सीपिटल लोग एपिलेप्सी कहते हैं। अच्छा, ये जो फोकल एपिलेप्सी है ये दो तरीके की है। एक तो साधारण टाइप की एपिलेप्सी होती है जिसमें एक ही दिमाग का हिस्सा इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है जिसमें दिमाग के कई हिस्से इन्वॉल्व हो जाते हैं और मरीज इसकी वजह से बेहोश भी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो कॉमनेस कारण हम जो देखते हैं ये फोकल एपिलेप्सी में, या तो दिमाग के अंदर कोई चोट लग गया है या कोई हिस्सा इन्फेक्शन होने की वजह से दिमाग का ख़राब होता है या ब्रेन में कोई कीड़ा चला गया है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो जो सब्जियाँ होती हैं बगैर धोए खा लेते हैं, या लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो मीट खा लेते हैं इन्फेक्टेड, उसकी वजह से वो कीड़ा पेट से होते हुए दिमाग में चला जाता है और इस तरह की फोकल एपिलेप्सी उत्पन्न कर देता है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी जो जांचें होती हैं वो सिंपल तरह की जांचें होती हैं, जैसे आपका सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, उसके लिए मरीज को अपने डॉक्टर संपर्क करके जांचें करा लेनी चाहिए जिससे मालूम पड़ती है कि मरीज के ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई पीड़ा तो नहीं है या कोई चोट का निशान तो नहीं है। उसी के लिए उससे संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं दौरे की, उसमें कॉमन जो दवाइयाँ होती हैं वो एप्टोइन होती है जो मरीज को बहुत सस्ती दवाई पड़ती है, एक महीने की दवाई का कोर्स 70 रुपए का बैठता है। तो और काफ़ी गार्डनल हो गई हैं, लेवसेट्राम टाइप की दवाई हो गई और कार्माजिपिन हो गई हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ इनकी कीमत गवर्नमेंट ने DPCO करके सस्ती कर दी हैं जिससे मरीज आराम से 3 से 5 साल वो दवाइयाँ खा सकता है। यदि मरीज के दिमाग में कीड़े अधिक उत्पन्न हो गया तो कीड़े की दवाई एल्बेंडा जो मिलती है उसकी कीमत बहुत सस्ती है, वो मरीज सुबह शाम करीब 15 से 21 दिन खाएगा उसकी वजह से वो कीड़ा मर जाएगा और मरीज की बीमारी 6 महीने से में ख़त्म हो जाएगी। तो जिन मरीजों को एपिलेप्सी टाइप की होते हैं, जो मरीज को एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे में सड़क पर गिर जाते हैं, तो उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए आम आदमी को कि उस मरीज के शर्ट के कपड़े बटन ढीले कर दें कपड़े और मरीज को एक साइड से बिठा दें जिससे कि उसके जो मुँह के अंदर झाग हैं फेफड़ों ना चले जाएँ, मुँह के अंदर कोई सामान ना दें डालें जिसकी वजह से वो दांत ना टूट जाए, और मरीज को वहीं पास में किसी डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज करवाएं। ये उसमें या तो कोई प्याज या जूता सुखाएं, इस तरह के काम ना करें।
और मरीज को पास के जो भी हॉस्पिटलों में एडमिट करवा दें और वहीं पर उसका पर्टिकुलर इलाज करें। ये लोगों का मानना है कि मिर्गी के अंदर दवाई जिंदगी भर खानी पड़ती है, लेकिन जो जिन लोगों को मिर्गी दिमाग में कीड़े की वजह से होती है तो उस तरह के मरीजों को करीबन 15 से 15 दिन कीड़े की दवाई खानी पड़ती है और 6 महीने तक करीबन दो मिर्गी के दौरे की दवाई खानी पड़ती है। 6 महीने के अंदर यदि सीटी स्कैन यदि उस मरीज का कराया जाता है, यदि उसमें वो कीड़ा क्लियर हो जाता है तो 6 महीने तक यूजली उस मरीज की दवाई का कोर्स बन जाता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ब्रेन के दिमाग के अंदर कोई खराबी नहीं निकलती और ये हम मानते हैं किसी जेनेटिक कारण से अज्ञात कारणों के दौरे, उन लोगों के अंदर ये हम लोग दौरे की दवाइयाँ 3 से 5 साल तक खिलवाते हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बीच में वो मरीज किसी कारण पर वो दवाइयाँ ना तोड़े। तो बीच में ये दवाई तोड़ देते हैं तो मरीज को दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कोर्स उल्टा आ जाता है और मरीज को उस अंतिम दौरे से आगे दोबारा से 3 से 5 साल का दवाई का कोर्स करना।